भारतीय जनता पार्टी जिला बठिंडा द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के प्रधान आदरणीय श्री अश्विनी शर्मा जी, सूबे के जनरल सेक्रेटर सरदार कांगड़ साहब, सरदार विक्रमजीत सिंह जी, बीबी मोना जायसवाल जी, पार्टी के सारे सीनियर लीडर साहिबान और पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सबने विलंब हो जाने के बाद में भी इस प्रेस वार्ता में इंतजार करके इस बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव में लगभग एक साल से कुछ थोड़ा समय अधिक ऐसा शेष रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर देश में 2014 से 2019 में जिस तरह से 2014 की अपेक्षा में ज्यादा अधिक मत और ज्यादा अधिक सीटें जीत करके एक नया इतिहास रचा था, इसी परंपरा को कायम रखते हुए और आगे 2024 के चुनाव में हम दो तिहाई बहुमत के साथ में सरकार बनाए, इस लक्ष्य को लेकर के, इस चुनौती को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में काम करना प्रारंभ किया है। उसी श्रृंखला में पंजाब के इन तीन लोकसभा क्षेत्रों में मुझे इनको देखने की जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ने इस परिपेक्ष में अपनी तरफ से काम करना प्रारंभ किया है। सांगठनिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए, संगठन की क्षमता ताकत को बढ़ाते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहां बड़ी संख्या में सीटों पर विजयी श्री प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हम अपने संगठन की क्षमता को बढ़ाएं, बूथों का सशक्तिकरण करें और संगठन की ताकत के आधार पर आने वाले चुनाव में विजयश्री प्राप्त करें। हम सब ने देखा है अभी कि गुजरात में एक नया इतिहास बनाते हुए लगातार सातवीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है। सामान्य रूप से एक बार दो बार कोई सरकार काम करती है उसके विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से वहां काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के साथ में चुनाव लड़ा, बड़े बड़े वादे करने वाले, लिख करके देने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया वहां धराशायी हुए और 182 सीटों में से लगभग 127 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया कि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी न होते हुए सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी है कि एक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, सर्व हितकारी, सर्व स्पर्श की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ संगठन की ताकत को इस तरह से बढ़ाया गया है, संगठन को इस तरह से व्याप दिया गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां अपरिहार्य हो गई है। इसी तरह से हम यहां पंजाब में भी, देश के अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, पंजाब में भी संगठन की शक्ति को बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके नीचे धरातल के स्तर पर किस तरह से संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। पंजाब की इस उर्वरा भूमि में भारतीय जनता पार्टी के बीज को, विचार के बीज को किस तरह से और अधिक गहराई के साथ में प्रतिपादित किया जा सकता है, इस पर हम सब मिलकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठकर आज विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। मित्रों, 2022 में एक प्रतिक्रिया का वोट देते हुए पंजाब की जनता ने वर्तमान सरकार को आशीर्वाद दिया था
और एक प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया था। लगभग एक साल का समय होने को आया, पंजाब की सरकार ने जितने वादे किए थे हर एक वादे पर पंजाब की सरकार विफल हुई है, और दूसरी तरफ पंजाब की जनता जिन्होंने भरपेट आशीर्वाद दिया, छप्पर फाड़ करके आशीर्वाद दिया, उस जनता को माफिया राज और अराजकता के हवाले करने का पाप इस वर्तमान सरकार ने किया है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहां डिप्लीट हुई है, जिस तरह से नित्य प्रतिदिन व्यापारियों, व्यवसायियों, कर्मचारियों को धमकी भरे हुए फोन आने लगे, एक्सटॉर्शन जिस गति के साथ में बढ़ा है, पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से लूट खसोट प्रारंभ की है, जिस तरह का माहौल पंजाब में बना है, पंजाब की जनता इस बात को महसूस करने लगी है कि हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। किसी भी चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों के विरुद्ध छोटी मोटी नाराजगी होना स्वाभाविक होता है। व्यक्तिगत काम न होने के कारण से, व्यक्तिगत अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण से, लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध इस तरह का आक्रोश का वातावरण बनना, और वो भी केवल एक साल से कम समय में बनना, ये निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि जनता ने भावावेश में उस समय प्रतिक्रिया में वोट दिया था। आज पंजाब की जनता, जो चर्चा मैं पंजाब के कार्यकर्ताओं से करता हूं, और जिस तरह के सूत्र मेरे पूरे पंजाब में पिछले चुनाव के समय निरंतर यहां रहने के चलते हैं, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि जो भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जिस तरह की भ्रांतियां पंजाब के आम जन में खड़ी करने की कोशिश की गई थी, वो अब धूली दूसरी तो रही है, अपने आप समाप्त हो रही है, उनकी मिट्टी अब अपने आप हट रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग अपेक्षा भाव से पिंडों में इसकी चर्चा करने लगे हैं कि स्थायी शासन अगर कोई दे सकता है, सुरक्षित पंजाब कोई दे सकता है, समृद्ध पंजाब यदि कोई बना सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। और हम सभी मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ता, सारे नेता, सभी वरिष्ठ लोग यहां बैठे, हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी की सरकार बनाने और यहां पंजाब में कमल खिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करने के लिए संकल्पबद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देहात में जाने के लिए, खास करके बीजेपी को पंजाब में शहरी पार्टी माना गया है, फाजिलका और पठानकोट को छोड़कर देहात में जाने के लिए आपके क्या प्रयास है? देखिये, मैंने अभी विस्तार से आपके सामने इस विषय को रखा है कि हम कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन के आधार पर, सदस्यों के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। जो आज पंजाब में परिस्थिति है, वो परिस्थिति आज से 30 साल पहले देश के अधिकांश प्रांतों में थी। 1990 के दशक से पहले गुजरात में भी यही स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को मात्र जो है शहरों की पार्टी माना जाता था, सूरत और अहमदाबाद के बाहर कहीं अस्तित्व नहीं था। 2090 में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस और जनता दल के बाद में, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। लेकिन आज 2090 से लेकर के आज लगातार सत्ता में है, इसलिए जब पार्टी संगठन के आधार पर काम करती है, अपनी विचारधारा को नीचे लेकर के जाती है, आज तो परिस्थितियां बदली है कि देश में 17-18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से काम करने वाली सरकार है। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब लोगों के मन में जो भ्रांतियां जानबूझ करके नियोजित तरीके से खड़ी की गई थी, वो हटने लगी हैं। वातावरण अनुकूल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। किसानों के साथ दोस्ताना संबंध, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सरकार बनने के बाद 2014 से निरंतर किसान के कल्याण के लिए काम किया, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसकी चर्चा, किसानों की चर्चा करते हुए, जिस किसानों की चर्चा करते हुए हमेशा जो डॉक्टर स्वामीनाथन की बात होती है, डॉक्टर स्वामीनाथन ने खुद लिख करके इस बात को स्वीकार किया है, और एक जगह नहीं, अनेक जगह लिख करके, बोल करके इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी रिपोर्ट के अनुरूप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार ने लेटर एंड स्पिरिट में काम किया है,
वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज देश का किसान, देश भर का किसान इस बात को मानता है कि सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर के खाद और बीज के आपूर्ति से लेकर के प्रोक्योरमेंट से लेकर के और प्रोसेसिंग को स्ट्रेंथन करने, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने काम किया, उसके परिणाम धरातल पर दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने नियोजित रूप से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसानों और भारतीय जनता पार्टी या किसानों और मोदी जी के बीच में पंजाब में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दीवार अब भरभरा के गिर गई है और लोग हकीकत समझने लगे हैं। और इसी से मैंने कहा है कि पंजाब में भी गांव में बैठे हुए लोग, पिंड में बैठे हुए किसान भी अब ये अपेक्षा करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी है जो उनकी असली खैरख्वाह हो सकती है। पंजाब के माहौल नु कि मैं देखती हूँ, जगह जगह से होल्डिंग लगे, गुरुद्वारे चार जगह से होल्डिंग लगे, बठिंडा के चर्च, माहौल किधर जा रहा है पंजाब में? निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जैसा मैंने अभी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी कहा, ओपनिंग रिमार्क्स में भी, कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है। न केवल इस तरह की विभाजनकारी ताकतें एक बार फिर सिर उठाने लगी हैं, अपितु चोला बदल करके इन विभाजनकारी ताकतों के प्रेशर से, इनके सहयोग से अलग अलग तरह के माफिया भी पंजाब में पनपने लगे हैं। देश की सरकार पैनी दृष्टि बना करके इन सब पर देख कर ध्यान रखे हुए और निरंतर पंजाब सरकार के, पंजाब पुलिस के संपर्क में रह करके उन्हें जिस तरह का सहयोग करना चाहिए उस तरह के सहयोग प्रतिबद्धता के साथ में कर रहे हैं। कॉल बढ़िया आ रही है ना, थोड़े से बताया ना, भाजपा में शामिल हुए और पंजाब की लीडरशिप कह रही है आपकी, भी हमें मालूम नहीं है, मनप्रीत बादल भाजपा में शामिल हुए। देखिए ऐसा है, ये संभव नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में कि किसी को जानकारी नहीं है। और जो जग जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी, सबकी अनुमति से अगर किसी को ज्वाइन किया है तो उसके लिए ये कहना मैं नहीं मानता कि उपयुक्त होगा कि हमें जानकारी में नहीं है। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी में न हो, लेकिन पार्टी और संगठन की जानकारी में न हो ऐसा संभव भारतीय जनता पार्टी में कम से कम नहीं होता। नजर नहीं आ रहे मनप्रीत बादल, नजर नहीं आ रहे ना होल्डिंग दे विच, ना तो अड्डी कॉन्फ्रेंस दे विच बैठे। चलो अभी तो आए हैं घर में यार, घर में कोई नया परिवार में सदस्य आते हैं वो पहले ही दिन नजर आने लग जाते हैं। शेखावत जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सौजन्य से पिछले समय में आपके साथ मीटिंग हुई है पंजाब और हरियाणा की इस वजह को लेकर, क्या इस इशू को लेकर कोई रोड मैप आपके पास है या सिर्फ ये वोट की राजनीति तक की सीमित है? देखिए SYL बने इसको लेकर के लंबे समय से प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार उसमें अपनी तरफ से वर्डिक्ट दिया भी है, लेकिन क्योंकि दोनों राज्यों के बीच में सहमति नहीं है इसको लेकर के, इसलिए वो अभी भी उसका धरातल पर अमलीकरण नहीं हो पाया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि भारत सरकार का के जल शक्ति मंत्री दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठे और उनके बीच में सहमति बनाने का प्रयास करें। हमने प्रयास किया है लेकिन किसी भी तरह की सहमति न बन पाने के कारण से हमने वापस अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, क्योंकि प्रकरण लंबे समय से उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करना मेरे लिए अनुकूल नहीं है। सहमति नहीं बनी है दोनों राज्यों के बीच, आपके मुताबिक बननी चाहिए या नहीं? मैंने क्या कहा कि जो विषय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उस पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर एक आपका महकमा रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर, अभी पिछले कुछ समय से पंजाब में एनवायरमेंट और पानी को लेकर काफी इश्यूज चल रहे हैं। पहले आपको लेकर प्रतिनिधिमंडल मिला मतेवाड़ा के इशू को लेकर, गुड्डा नल्ला को लेकर, और अभी जीरा की फैक्ट्री में भी इसी इशू को लेकर काफी चर्चा हुई और सरकार को फिर कहना पड़ा कि हम इसको बंद कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र आपके अंदर आता है मिनिस्ट्री के? देखिए आपका राज्य भी प्रभावित है। देखिए प्राथमिक रूप से जो हमारे संविधान की व्यवस्था है उसके अनुरूप जल राज्य सूची का विषय है, जल स्रोतों का संरक्षण, उनका संधारण, उनका उपयोग, उनका रखरखाव करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एंड पंजाब गवर्नमेंट हैव ग्रॉसली फेल
पिछले 30 साल से गुर्ग में जो है बुड्ढा नाला का प्रकरण चल रहा है, विभिन्न न्यायालयों के आदेश होने के बावजूद भी सरकार नहीं कर पाई। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद भारत की सरकार द्वारा सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बावजूद भी जिस तरह की प्रगति इसके कारण से धरातल पर होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हो पाई। मैं कई बार समीक्षा उसकी की है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी इस बात का भरोसा 2019 में दिलाया था कि हम एक साल में लुधियाना के सारे वेस्ट के ट्रीटमेंट की फैसिलिटी जो भारत सरकार ने सहयोग दिया है उसके आधार पर पूरी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं कर पाए। उसके चलते एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लुधियाना की नगर पालिका पर भी और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पर भी पेनल्टीज इम्पोज की है। मैंने 2022-20 में भी और 2022 में भी नई चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी के साथ इसको लेकर के बैठक की थी। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया था कि हम अगले एक साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, इन ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाएंगे। वो प्लांट जो है बनने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन टाइमलाइन से अभी भी पीछे है। निरंतर उसके ऊपर प्रयास करने के बावजूद भी पंजाब सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही और उसका दुष्परिणाम केवल पंजाब को ही नहीं, नीचे बहकर जाने वाले पानी जो पीने के पानी के रूप में उपयोग होता है राजस्थान के 13 जिलों तक, वहां तक उसके कारण से समस्या को जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी पंजाब की समस्या है जी, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कर्जा जो चढ़ा है पंजाब के ऊपर लाखों करोड़ों कर्जे का और नेशनल सिक्योरिटी दोनों का क्या लेना देना सर? आतंकवाद था तो आतंकवाद के समय का चलता नेशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी सैलरीज उनका खर्चा चलते हुए आज का नहीं है, लंबे समय से नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि बॉर्डर एरिया है। मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितनी भी फौज काम करती है, चाहे वो भारत की सेना करती होगी या बॉर्डर पे काम करने वाले डिफरेंट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ITBP, मेरी बात खत्म कर उन सब की चिंता और उन सब का खर्च जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों का खर्च भारत सरकार उठाती है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा इन दोनों विषयों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पंजाब की सरकार पर, पंजाब प्रदेश पर जो कर्जा बढ़ा है वो कर्जा केवल सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के कारण से नहीं बढ़ा है। जिस तरह से पंजाब में पूर्ववर्ती सरकारों ने पंजाब की इकोनॉमिकल प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट को जिस तरह से डुबोया है उसके कारण से ये परिस्थिति बनी है और वर्तमान सरकार इसको बिल्कुल कुएं में डालने के में लगी है। आज पंजाब में जितनी स्टेट रेवेन्यू से ज्यादा जो है पंजाब का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पंजाब का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, कर्जे का ब्याज, तनख्वाह, पेंशन और मेडिकल बिल्स, ये भी पंजाब की ग्रॉस रेवेन्यू से बाहर निकल गए। जो भारत सरकार से पैसा आता है उससे में से इसको चुकाया जाता है, तो इसलिए निश्चित रूप से पंजाब की स्थिति भयावह है। और हमने बार बार चुनाव के समय में भी कहा था कि ऐसी खराब हालात के बावजूद भी जिस तरह से रेवड़ियां बांटने की चर्चा तत्कालीन सरकार ने की थी, ये पंजाब के लिए लंबे समय तक, आने वाले समय में पंजाब के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन बहुत बड़े बड़े सब्जबाग दिखा करके सत्ता में आई सरकार ने भी वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए, कि परिस्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है और पंजाब की सरकार को अपने आर्थिक प्रबंधन के लिए ठीक से काम हो इसके लिए काम करना चाहिए। आप क्या करेंगे जी? चलिए, धन्यवाद। पंजाब को निकालेंगे।